ना केवल कानून का ज्ञाता था और कानून की परिभाषा लिखने वाला भी था। ऐसे सम्मानित हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिन्होंने एक नया इतिहास लिखा जो इतिहास के पन्नों पर छप चुका है। आने वाले भविष्य की पीढ़ी को जब इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएंगे, कुलदीप सिंह पठानिया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चंबा के मेरे साथी विधायक नीरज नैयर जी, मनिंदर राजन जी जो दौरा से विधायक है, मैं अभी वहां भी जनसभा को संबोधित करके आ रहा हूं। हमारी पूर्व में शिक्षा मंत्री और ढलोजी की विधायक हमारी बड़ी बहन आशा कुमारी जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, यशवंत खन्ना जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इसकी कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष कमल जी, सभी मंच पर सम्मानित अतिथिगण और भटियाल क्षेत्र के सभी दूर दराज क्षेत्रों से आए बुजुर्ग माताएं, युवा प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले आज के दिन ही मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुझे पूरे 15 महीने हो गए, आज का सिर्फ 15 महीने का पहला दिन। इतिहास ने करवट बदली और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक आम परिवार से उठकर, आप लोगों के परिवार से उठकर, जहां जिनकी माता भी खेती करती है, उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में हमेशा से एक इच्छा रही कि जितने भी हमारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, उनकी कैसे सेवा की जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाकर जितने भी अधिकारी होते हैं, सचिवालय के कर्मचारी होते हैं, वो सब एक बैठक करते हैं। शपथ लेने के बाद अपनी पूजनीय माता जी के साथ गले मिलने के बाद, जो कि सिर्फ 5 कक्षा पढ़ी हुई थी, हमें आशीर्वाद देती है, कहती है कि बेटा आपने समाज के सभी लोगों की सेवा करनी है। मैं उसके बाद मैं बालिका आश्रम गया, उन प्यारी बेटियों से मिला जिन्होंने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, उनका दर्द समझा। मैंने देखा उनके हॉस्टल में जाकर वो कैसे रहती है। वो मन में अपने भाव छुपा रखी थी, उस भाव को मैंने पढ़ा। अभी मैं सचिवालय की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे, मेरे मन में एक सोच आई कि जो बेटियां और जो बेटे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। और हमने उस सोच से आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक सोच बनी कि हम अपने बच्चे को किस तरह पालते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं, उसी तरह का प्यार इन बच्चों को मिलना चाहिए जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। ये सोच विकसित हुई, कानून के बारे में विचार किया गया और अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट राज्य के बच्चे घोषित किया। ये घोषणा महज कागजों में न रह जाए, उसके लिए कानून में कई पन्ने लिखे गए। कहा गया जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, उसकी पढ़ाई का खर्चा जिस प्रकार हम अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, उसी प्रकार से ये सरकार करे। हर महीने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को
₹2,500 पॉकेट मनी के रूप में मिलेगा। उसकी पढ़ाई का खर्चा अगर वो हॉस्टल में रहता है और किसी अच्छे स्कूल में भी पढ़ता सरकार उठाएगी। 12 साल के बाद बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। हमने कहा जिस तरह हमारा बच्चा, जैसे कि अभी हमारे कुलदीप ठाणे जी कह रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू होनी चाहिए, हमने कहा जिस तरह हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसी तरह इन बच्चों को किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन मिलेगा उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, कोचिंग का भी सारा खर्चा सरकार। और इस प्रकार हमने उन्हें 27 साल की उम्र तक उसकी शिक्षा से संबंधित सभी खर्चा, उसके हॉस्टल से संबंधित सभी खर्चा उठाने का दायित्व हमारी सरकार ने, ये पहला पुण्य का कार्य है। जिस तरह हम अपने बच्चे को कॉलेज में जाने के लिए कभी 50 रुपए कभी 100 रुपया बेटी आके अपने माता को बोलती है, अपने पिता को बोलती है, उसी तरह मैंने कहा इन बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं पड़े, हर महीने इनके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपया डलना चाहिए और तकरीबन 4,000 बच्चों को 4,000 रुपया उनके पॉकेट में डलना है। किसी ने व्यवसाय शुरू करना, किसी बेटी की शादी होनी है, 3,00,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। जिसके पास घर नहीं है, चाचा ताए के पास रह रही है अपनी जगह, उसके लिए 3,00,000 रुपया मिलेगा। अभी हम इस प्रकार के कार्यों से आगे काम कर ही रहे थे कि उस समय आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती का मुझे सामना करना पड़ा। आर्थिक मोर्चे पर चुनौती थी जो सरकारी खजाना होता है वो आप लोगों का खजाना होता है। उस खजाने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किस प्रकार वेतन मिले, किस प्रकार दिन प्रतिदिन का खर्चा चले, उसके लिए हमारा सरकारी खजाना खत्म हो चुका है। अधिकारियों ने मेरे पास अपनी वस्तु स्थिति बताई, मैंने कहा आज तो कांग्रेस की सरकार बन गई, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती उस समय तो आप क्या करते। उन्होंने कहा कि तब भी हम कर्जा उठाते हैं, आज भी हम कर्जा उठाते हैं। मैंने कहा अभी कुछ समय के लिए तो आप कर्जा उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ के नीचे दबा रहे। बैठके हुई, मैं खुद 1-1 बजे तक सभी अधिकारियों से बैठक के करता रहा। जो अधिकारी 5 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, 4 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, सभी अधिकारी जब तक मैं ऑफिस में रहता था ये निर्देश दिए गए कि आप सब ऑफिस में रहिए। आर्थिक चुनौती को पार करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। कैसे हम आगे बढ़े, यहां जो मेरे भाषण सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूं, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है और जो बच्चा अभी 1 साल का हुआ है उनको सबको मिलाकर 1,02,000 करोड़ रुपए का कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है। 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे जो प्रदेश दबा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां हो, उस प्रदेश के विकास का रास्ता कैसे लिखा जाए, ये एक चुनौती थी। उस चुनौती को हमने युद्ध की तरह लड़ा और आज हम धीरे धीरे उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब हम इस चुनौती का सामना कर रहे थे तो हमने कोई राजनीतिक इच्छा नहीं देखी, हमने कहा 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी हमारे हैं, जो प्रदेश में विकास की गाथा लिख रहे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कैसे सुरक्षित रहे। अगर वो एनपीए में रहते, एनपीएस में रहते तो किसी को 2,700 रुपया पेंशन मिलती, किसी को 3,200 रुपया पेंशन मिलती। अधिकारी मेरे पर दबाव डालते रहे कि हम ये नहीं कर सकते, प्रदेश पूरा कंगाल हो चुका है, आने वाले दिन में हम अगले महीने की तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी,
मैंने कहा ना कोई चुनाव है आज, ना अभी चुनाव होने वाले हैं, पर जो हमने कांग्रेस पार्टी ने कहा है इन सरकारी कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। अधिकारियों ने ना अनुग्रह के बाद मैंने पहली कैबिनेट में 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये क्यों किया? क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, एक आम परिवार से उठकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं तो दर्द भी जानता हूं, पीड़ा भी जानता हूं। फिर उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश होगी कि कई घर बर्बाद हो जाएंगे। मैं पूरे प्रदेश में गया, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन में था, मुझे खबर आई कि कुल्लू में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। मैं रातों रात कुल्लू पहुंचा, वहां मैंने हाल देखा, पूरा कुल्लू जिला बेहाल था, पूरे कुल्लू जिले में ना रोशनी थी, सड़कें टूट चुकी थी, 75,000 पर्यटक हमारे फंसे हुए थे, 15,000 पर्यटकों की गाड़ी फंसी हुई थी, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे गए, सबकी हमने ड्यूटी लगाई, 48 घंटे के अंदर हमने बिजली दोबारा बहाल की, टेम्पररी रास्ते जोड़े और 75,000 पर्यटकों को उनके घर सुरक्षित वापस पहुंचाया। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। फिर बात आई 14 अगस्त को, पता लगा पूरे हिमाचल प्रदेश में आजादी के एक दिन पहले बारिश ने भारी तबाही की है, कई घर भागे, कई लोग हमें छोड़कर चले गए। एक ही दिन में भारी बारिश के कारण इतिहास की सबसे बड़ी 51 मौतें हुई। इस आपदा में 550 लोग अपनी जान गंवा गए। जहां भी जाता था परिवार के लोग रो रो कर ये कहते थे, बड़ी मुश्किल से हमने अपना एक घर बसाया, पाई पाई जोड़ी। मैं ये चीज जानता था क्योंकि 90% हमारे लोग जो है गांव में रहते हैं, सच में पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बनता है, और जब वो पक्का घर एक रात जब उसमें परिवार सोया हो और पता लगे कि अत्यधिक बारिश ने उस घर को भागकर ले जाना है, फटाफट अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाई, जिस घर में वो रहते थे वो पूरी तरह घर बह गया, खाने के लाने पड़ गए, 16,000 घरों को नुकसान हुआ, परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे जो रो रो के कह रहे थे कि अब हमारी पढ़ाई का हाल क्या होगा, कई माताएं बुजुर्ग माताएं हमारे कंधे पर सो रो के कह रही थी कि बेटा बड़ी मुश्किल से घर बनाया, अब कैसे हम रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। मैंने फैसला किया कि गांव में रहने वाला जो परिवार है वो तम्बू में नहीं रहेगा, कहीं भी किराए के मकान पर रहेगा, और किराया भी हम 5,000 रुपया पर परिवार देंगे। जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके लिए 10,000 किया, और 31 मार्च 2024 तक सभी सुविधाएं फ्री दी। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे कि आपदा आई है, हमारे जीवन काल में तो ऐसी कभी आपदा नहीं आई है, 16,000 घर तबाह हो गए, 16,000 परिवार सड़कों पर आ गए, केंद्र सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। मैं सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता था, शाम को आकर अधिकारियों से बैठक करता था, अधिकारी रोना रोते थे पैसा नहीं है। मैंने कहा इन 16,000 परिवारों को बसाना है, मैं दर्द जानता हूं क्योंकि मैं उन परिवारों के बीच से उठकर मुख्यमंत्री बना हूं,
वो कहा कि हम कानून नहीं बदल सकते, हम नियम नहीं बदल सकते। मैंने उस कानून की किताब को अपने पास लाकर रात को घर में पढ़ा। सुबह उठकर मैंने देखा कि कानून में लिखा है, नियमों में लिखा है कि सिर्फ पक्के मकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि इस नियम के तहत इसको इनका जो मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, हमने उन 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और जो सहायता आज भी केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपए की है उसको सीधा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, ताकि वो घर दोबारा बन सके। ये संवेदनशीलता हमारे दिल में थी। केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया, लेकिन विकास की गति को रुकने नहीं दिया। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने पाया कि हमारे गांव के किसान, गरीब आदमी, आम आदमी पटवारियों के चक्कर लगाते हैं, तहसीलदारों के चक्कर लगाते हैं, जूते घिस जाते हैं, कई बार इंतकाल तक नहीं होता। हमने राजस्व कानून में परिवर्तन कर दिया। तकसीम दादे के समय से शुरू होती थी, पोते के समय तक खत्म नहीं होती थी, क्योंकि आप लोगों ने मांग नहीं रखी। वो मुझे पता था, क्योंकि मैंने भी, हम लोगों, हमारे परिवार वालों ने भी धक्के खाए थे। इसको बदलना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, 90,000 इंतकाल हो चुके और 7,000 तकसीम जो 20 सालों से चली हुई थी वो हो। फिर हमने कहा कि अब हमारा दूसरा बजट पेश होना है। मैंने पूछा, जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए उससे कितनी आय हो रही है? मुझे पता लगा कि हमारी आय बढ़ना शुरू हो चुकी है। मैंने सब पर शिकंजा कसा, खनन माफिया पर शिकंजा कसा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। और भ्रष्टाचार की एक कहानी, जो युवा सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पेपर देते थे, प्लस टू में मेरिट में आते थे बोर्ड की, 10th में बोर्ड की मेरिट में आते थे, ग्रेजुएशन में टॉप करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप करते थे, पीएचडी करने वाले बच्चे भी, जो सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर का है, और जगह सब जगह टॉप करते थे, लेकिन सरकारी रोजगार नहीं मिल पाता था। बेटियां आई मुझसे कहा कि, एक बेटी ने मुझसे कहा, मेरे से कोई भी एग्जाम कर दो मैं उसमें टॉप करूंगी, लेकिन मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही? मैंने जाल बिछाया, और जब पता लगा कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पेपर लीक करते थे, पेपर को बेचते थे, और जो योग्य उम्मीदवार था वो उसमें नौकरी नहीं मिल पाती थी, और जो पेपर खरीदता था उसको नौकरी मिल जाती थी, मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि मैं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। और मैंने उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भंग किया, और जो पेपर बेचने वाले लोग थे वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम एक साल में 20,000 लोगों को रोजगार देंगे, और हम एक साल में, अभी 15 महीने के कार्यकाल में, 22,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। 6,500 हमारे टीजीटी, जेवीटी, ये सब की भर्ती हो रही है। 2031 में वनमित्र भर्ती हो रहे हैं, 984 पटवारी भर्ती हो रहे हैं, 10,000 आईपीएच में भर्ती हो रहे हैं। ये सब क्यों किया? क्योंकि युवाओं को रोजगार के साधन मिलने चाहिए। धीरे धीरे हम सेकंड बजट की तैयारी कर रहे थे। बजट बनने में धन का प्रावधान करना पड़ता है। मैंने पता किया कि 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, और बजट से ठीक पहले एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग की
उसके अगले दिन बजट पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो सरकार गिर जाती, और वो बजट आम लोगों के लिए बजट था, गरीब लोगों के लिए बजट था, उस किसान के लिए बजट था जिसकी आर्थिक समृद्धि को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं पठानिया जी के पास ऑफिस में बैठा हुआ था, पठानिया जी लॉ के ज्ञाता है, तभी मैंने कहा इतिहास पठानिया जी को याद रखेगा इनकी ईमानदारी के लिए, इतिहास पठानिया जी को इनकी जजमेंट के लिए इतिहास रखेगा। मैं वहां बैठा मुझे खबर मिली हम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सत्ता की भूख में पागल हुए हुए थे अंदर नारे लगा रहे थे और हम इनके कमरे में बैठे हुए थे, खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, ना मुझे जानकारी ना खड़े तरह तरह की अफवाह फैलाएगी। मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, हमारे पास मेजोरिटी है। पठानिया जी ने कहा जो कानून बोलता है मैं कानून का रक्षक हूं, ईमानदारी से फैसला करूंगा और परिभाषा जो मैं लिख के जाऊंगा उसको कोई बदल भी नहीं पाएगा, इसके लिए पठानिया जी को मैं मुबारकबाद देता हूं। सारे चैनलों में इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, मैं आप लोगों के बजट का रिप्लाई देने के लिए तैयारी कर रहा था, सारी जगह से फोन आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैं तो बजट पास करना चाहता हूं। क्या था उस बजट में? आम आदमी की आवाज थी, ऐसा बजट 40 साल में पहली बार प्रस्तुत किया गया होगा। मैंने कहा गांव में मनरेगा का मजदूर है, कई बहने हमारी मनरेगा में मजदूरी इसलिए करती है कि अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरे पास अधिकारी लाए कि 20 रुपए बढ़ने चाहिए, मैंने बोला नहीं, सीधे 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि हमने मनरेगा के दिहाड़ी में की। मनरेगा में जो महिलाएं हैं जिनके पास कच्चा घर है, मैंने कहा उस गांव की महिला को भी पक्का घर में रहने का अधिकार होना चाहिए और उसके लिए 3 लाख रुपया हमने एक मुश्त देने की योजना बनाई। यही नहीं, 19 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, 1,15,000 हमारी विधवा बहने हैं, एकल नारी है। और मैं जब विधायक था 20-25 साल से मैं विधायक था, मैं देखता था मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई है लेकिन डॉक्टर की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बेटी तो IIT में चली गई है IIT की फीस देने के लिए मेरे पैसे नहीं है, कभी किसी रिश्तेदार से उठाती थी, कभी किसी के लोन से उठाती थी, बैंक भी लोन उनके कागज जमा करने के बाद देता था। हमने इस बजट में 1,15,000 महिलाओं के जितने भी बच्चे हैं वो चाहे IIT में सिलेक्ट होते हैं, चाहे डॉक्टरी में सिलेक्ट होंगे या हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट होंगे, उनकी सबकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी और उनके हॉस्टल का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, ये सरकार ने उन विधवा महिलाओं के लिए बहनों के लिए किया। फिर किसान की बात आई, हम खेती करने वाले लोग हैं और कोई इतना धनवान नहीं है हिमाचल प्रदेश में जिसके पास एक घर हो, छोटी सी जगह ना हो। मैंने कहा किसान की आय कैसे बढ़ेगी? तो किसान की आय के लिए सबसे पहले हमारे घर में पशु होता है, गाय होती है या भैंस होती है। अब मैं देखता था कि गाय का जो दूध है वो 32 रुपए किलो गाय से खरीद जा तो हमारे पशुपालक से खरीद लिया जाता था तो उसको कुछ आय नहीं होती थी। मैंने अंदाजा लगाया और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए किया और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किया। अब जिसने गाय रखी होगी, जिसने भैंस रखी होगी, उसके पास गोबर भी होगा, तो हमने गोबर आधारित खेती पर
जो गेहूं पैदा करेगा उससे सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी और 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदेगी। इस प्रकार का कानून बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य बना। मैं ये भी देखता था कि जो बुजुर्ग है हमारे घर में, नौकरी वालों को तो सब कुछ मिल जाता है, किसान जो बुजुर्ग होता था अगर कहीं बीमार हो जाए तो उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी कुंजी में जमा करके रखता था। हमने बजट में कहा कि 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको कोई बीमारी हो जाती है उसका सारा खर्च सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ये पैसे कहां से ला रहे थे? ये पैसे उन चोर दरवाजों को बंद करके ला रहे थे जो आपका धन पिछले दरवाजे से लूट रहे थे। ये अभी बजट पास होना उसमें ये योजनाएं थी, कई और योजनाएं थी, लेकिन बजट पास ना हो, आम लोगों का बजट पास ना हो, गरीब की दर्द का बजट पास ना हो, इस प्रकार के हमारी सरकार को कसने का षड्यंत्र रचा गया। मैं धन्यवाद करूंगा सब विधायकों का जिन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। जनता के वोट पर जो जीत कर आते हैं और नोट के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप लोग माफ करेंगे उन्हें? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। आपकी भावनाओं से चुनकर जब विधायक जाते हैं, क्या ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है जो देवी देवताओं की धरती है, जहां वीर सपूत अपनी जान सरहद पर देता है, वहां एक जनता का प्रतिनिधि जब बिकता है, अपना ईमान बेचता है, अपना ईमान बेचकर चोरी छिपे होकर होटलों में भाग रहे हैं। 8 दिन वो पंचकुला के ललित होटल में रहे, कहां से इतना पैसा खर्च किया? फिर हरिद्वार जा रहे थे पाप धोने के लिए। गंगा मैया ने कहा, भाई आप तो इतने पापी हैं, आपकी मैं मैल नहीं साफ कर सकती, और ऋषिकेश चले गए तपस्या करने के लिए। कहते हैं तुमने तो इतने पाप किया कि हमें मैला, फिर ऋषिकेश चले गए, अब वहां बैठ के तपस्या कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? ये लोकतंत्र है। कुछ ने कहा कि हम तो अंतर आत्मा है। कांग्रेस पार्टी से जब टिकट लिया था और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा था तब अंतरात्मा नहीं थी, फिर हमने अंदाजा लगाया ये अंतरात्मा नहीं, ये तो धन आत्मा है। और धन के दम पर जो राजनीति खेलते हैं, जो खींचने की कोशिश करते हैं, आम परिवार के आदमी कभी बिकते नहीं है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं हमारी सरकार 5 साल चलेगी, आप लोगों की सरकार है। मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी की भूख नहीं, मैं तो छात्र जीवन से राजनीति करता आ रहा हूं। एनएसए की बेटियां बैठी है, यहां से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। एनएसए का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, युवा कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, 25 साल से विधायक रहा, कभी मंत्री नहीं बना। मुझे कभी ये शौक नहीं है, ना मुझे सत्ता की भूख है, लेकिन जो कुर्सी मुझे मिली है वो आम लोगों की कुर्सी है, गरीब लोगों की कुर्सी है, किसान की कुर्सी है, और इसकी रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं। इसकी रक्षा आप कर सकते हैं, ये कुर्सी आपकी है, ये कुर्सी आपकी है। 5 साल बाद जब हम महसूस करेंगे कि जब एक आम परिवार का व्यक्ति, एक कर्मचारी का बेटा, एक किसान का बेटा इस कुर्सी पर बैठा है, 5 साल बाद जब आपकी आर्थिक समृद्धि होगी, आप महसूस करेंगे। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, उन चोर रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो चोर रास्ता आपके धन को अपने लिए प्रयोग में ला रहा है।
40 साल से ऐसी व्यवस्था चली कि आज हमारा जो शिक्षा का स्तर है, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश में 98 स्थान पर आ गए। दूसरी का बच्चा पांचवी की किताब नहीं पढ़ पाता, इस प्रकार की शिक्षा नीति देख रहे हैं। हमने उसमें परिवर्तन किया, हमारे टीचर पढ़े लिखे हैं, टेस्ट के माध्यम से आते हैं। हमने कहा ये जो 2 महीने बाद आपका एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। आपको ड्रेस चुनने का भी खुद ही मौका दे दिया जाएगा, ताकि उनके मन में ये कमी ना रहे कि आत्मविश्वास की कमी ना रहे। मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, आम स्कूल से पढ़ा हूं, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। हम तो संघर्ष की राजनीति करते रहे, लेकिन जब आज मौका मिला है तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हमारी सरकार का ध्येय है। इसीलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं, जो पाप उन लोगों ने किया है, गंगा भी बोलती है कि मैं भी मैली हो जाऊंगी तुम्हारे पाप धोते धोते। एक बार सुखू जी, बार बार सुखू जी, एक बार सुखू जी, बार बार सुखू जी। जो जनता के वोट से जीत कर आते हैं और नोट के वोट पर बिक जाते हैं, नोटों के दम पर जो बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये लोकतंत्र की हत्या करने की जो भी लोग कोशिश करते हैं, और जो सत्ता की भूख में किसी भी प्रकार का कृत्य करने की कोशिश करते हैं, जनता उन्हें कभी भूलेगी नहीं। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करने आया हूं, क्या आप इस आने वाले चुनाव में, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, उसमें जो बिकाऊ माल है और जो खिदड़े वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सारे हाथ खड़े करके बताओ, जोर से हाथ खड़े करके बताओ। ये बिकाऊ राजनीति नहीं चलेगी हिमाचल में, राजनीति में भी शुचिता लानी पड़ेगी। ये भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हमें बंद करने पड़ेंगे, और जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आपके लिए कमा के रखा, आपके लिए। और उस 2200 करोड़ में जहां हमने 4% डीए की किस्त दी, ये जो बेचारे डाइट मनी वाले पुलिस वाले खड़े रहते 210 रुपए मिलते थे, हमने 5 गुना बढ़ाकर 1000 किया। और उस 2200 करोड़ में जो बेटी या हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है, और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1500 रुपए देगी और साल का 18000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आपने बांटा है, जनता का पैसा जनता में बांटना चाहते हैं हम, आम आदमी का पैसा आम आदमी में बांटना चाहते हैं हम। हम भ्रष्टाचार के सभी दरवाजों को बंद करेंगे, और जो बिकने वाले विधायक है उनका रास्ता रोकने का काम आम जनता करेगी। ये मैं आपसे चाहता हूं, क्या आप ये काम करोगे? और मैं ये भी कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल में, जैसे कि हमें कुलदीप ठाणे जी ने कहा है, आने वाले 5 साल में हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे 2027 तक, 2032 तक। आप गर्व महसूस करेंगे, गर्व से कहेंगे कि हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा, ये आपको गौरव होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी नियत भी साफ है, और हमारी नियत भी साफ है, और हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। अगर आज हम यहाँ आए हैं तो आपकी सेवा के लिए आए हैं,
किसान की सेवा के लिए आए हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए आए हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए आए हैं, और जो धन आपका बनता है, जनता का बनता है, जनता में बांटने के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने कई बार कहा, मैं शिमला में छोटी गाड़ी में चलता हूं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चलता हूं, मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली जाए, बड़े बड़े घर बना दिए जाए। हम तो अभी भी उसी मां के पुराने घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो हमने भ्रष्टाचार पर चोट लगाई, उसके कारण आज अपनी माताओं को हम 1500 रुपया देने में सफल हुए हैं। 1 अप्रैल 2024 से ये स्कीम लागू की जाएगी। और मैं एक बार अंत में, मेरे बड़े भाई है कुलदीप सिंह पठानिया जी, मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक ऐसा बुद्धिजीवी, एक ऐसा विधि का ज्ञाता और एक ऐसा सेवक आपने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चुनकर भेजा, जिसने अध्यक्ष के रूप में एक इतिहास काम किया। और ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भी बड़े सरल लोकप्रिय है, और जो कानून की ये परिभाषा लिखते हैं, ऐसे बहुत कम ही विधि के ज्ञाता होते हैं जो ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं। कई प्रकार से इनको भी डराने की चेष्टा की गई, कई प्रकार से इनको भी तरह तरह के लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा ईमानदार और ईमान ना बेचने वाला आपने अपना विधायक चुनकर भेजा, जो आज विधानसभा की कुर्सी पर बैठा है। इनके बेटे सौरभ चौहान, सौरभ पठानिया, सुनाव पठानिया सर, इनके बेटे सुनाव पठानिया, वो भी इनकी तरह हमेशा काम में आपके साथ व्यस्त रहते हैं। ईमानदार तो या पाप के ईमानदार बेटे हैं, जो जिसके मन में आपके लिए सेवा का भाव है। आज अगर आम लोगों की सरकार में बचाने में कोई महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का रहा। जो भी इन्होंने मांगे रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस शिवाड़ी कॉलेज में होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय जो बोलेंगे, उनको अगले एकेडमिक सेशन से शुरू कर दिया जाएगा। वैसे तो ये विधानसभा में हमें डांटते रहते हैं, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, और वैसे भी अधिकारियों को डांटते रहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। सिविल कोर्ट की बात जो इन्होंने की है, हम हाई कोर्ट से परमिशन लेकर जल्दी ही छुवाड़ी में सिविल कोर्ट भी शुरू कर देंगे। न्यू डीएसपी ऑफिस खोलने की बात की है, वो न्यू डीएसपी ऑफिस इनका यहाँ इसी सेशन में खोल दिया जाएगा। और फायर ऑफिस की पोस्ट सेक्शन करने के लिए जरूरी है, वो भी कर दिया जाएगा। अभी तो मिनी सेक्रेटरिएट जो कार्यालय इन्होंने सेंक्शन करने को बोला, वो भी कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात इन्होंने कही है, मैं जोर टनल के लिए, मेरी नीरज नैयर जी से भी बात हुई, आपसे भी बात हुई, कि ये टनल बना दीजिए। हर विधानसभा में सवाल पूछते थे, और हर विधानसभा में जब सवाल पूछते थे कि हमारे को तो 4 घंटे यहाँ पहुंचने में लग जाते हैं, आप लोगों को तकलीफ है, और हम तकलीफ ही दूर करने आया है। मैं इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। बनेगी समय के अनुसार, अभी तो पहले डीपीआर बनेगी, ये ना बोलो कि अगली बार में आऊंगी हमारी टनल कहां गई, तो ये अभी पहले इसकी डीपीआर बनेगी। बाकी तो सारे स्कूल इन्होंने प्लस टू अपने आप ही करवा लिए हैं, और भी बोलेंगे तो कर देंगे। एक मैं और कहना चाहता हूं, जो आईपीएच का सब डिवीजन खुला है, माननीय हमारी बहन आशक डिवीजन खुला है,
यहाँ के लिए नया डिवीजन स्वीकृत किया जाएगा। आशा कुमारी जी का जो डिवीजन है उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा। और भी जो हमारे जो चुनकर नहीं आए हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और कुलदीप पठानिया जी ने मेरे से भी ज्यादा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे से भी ज्यादा, मैं मुख्यमंत्री हूँ जिस क्षेत्र से, वो मेरे से भी ज्यादा अभी आपके एक साल में काम करवाया है, इतना पैसा ये लेकर आया है। और हमेशा हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैंने अपने चुवाड़ी और बठियात की जनता की सेवा करनी है। मेरे को मौका बड़ी एक बार मिला है, अभी तो स्पीकर बने हैं ना, स्पीकर में हमारी सारी क्लास लेते रहते हैं। मैं इनको बोलता हूँ कि अभी थोड़ा रुक जाइए, पैसे की कमी है, जब पैसे आएंगे आपको और दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आशा के साथ, सच्चाई बार बार झूठ से टकराती है, सच का टकराव हमेशा झूठ से होता है। बार बार झूठ टिकना शुरू हो जाता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। तो ये सच्चाई की जीत आप अपने वोट के द्वारा लोकसभा में परिवर्तित करेंगे। क्या आप इसको परिवर्तित करेंगे कि नहीं करेंगे? पीछे वाले नहीं कर रहे, आप जोर से कराओ, करेंगे। धन्यवाद।